आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची जलधारा कहाँ पर है? आपके विकल्प हैं, ए बहुबली जलधारा झारखंड, बी जोग जलधारा कर्नाटक, सी गरुड़छाया जलधारा आंध्र प्रदेश, डी कुवेर जलधारा गुजरात। सही जवाब है बी जोग जलधारा कर्नाटक। आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े जीवन शैली अभयारण्य का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं, ए काजीरंगा अभयारण्य, बी चिपको अभयारण्य, सी कांची अभयारण्य, डी पेरियार अभयारण्य। सही जवाब है ए काजीरंगा अभयारण्य। आपका अगला सवाल है, किस गिरी पर दिल्ली का किला स्थित है? आपके विकल्प हैं, ए अरावली पर्वत, बी विंध्य पर्वत, सी शिवालिक पर्वत, डी हिमालय पर्वत। सही जवाब है ए अरावली पर्वत। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे गर्म जलधारा कहाँ पर है? आपके विकल्प हैं, ए बुढ़बल जलधारा पंजाब, बी सुलिगली जलधारा बिहार, सी मानिकर्णिका जलधारा जम्मू और कश्मीर, डी भागीरथी जलधारा उत्तराखंड। सही जवाब है ए बुढ़बल जलधारा पंजाब। आपका अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ होता है? आपके विकल्प हैं, ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी अमेरिका। सही जवाब है ए एशिया। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तालाब कौन सी है? आपके विकल्प हैं, ए वुल झील, बी चिल्का झील, सी दल झील, डी समुंदर सागर। सही जवाब है ए वुल झील। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश के साथ है? आपके विकल्प हैं, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। सही जवाब है बी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, भारतीय महासागर का कितना प्रतिशत क्षेत्र आक्रमण में आता है? आपके विकल्प हैं, ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। सही जवाब है डी 50%। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण सुधार कार्यक्रम किसके नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी दीनदयाल उपाध्याय। सही जवाब है डी दीनदयाल उपाध्याय। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जीवन शैली अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प हैं, ए काजीरंगा अभयारण्य, बी बंदीपुर अभयारण्य, सी सुंदरबन अभयारण्य, डी गिर अभयारण्य। सही जवाब है ए काजीरंगा अभयारण्य। आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आपके विकल्प हैं, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब है सी 6। आपका अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? आपके विकल्प हैं, ए 3,287,263 वर्ग किलोमीटर, बी 3,467,000 वर्ग किलोमीटर, सी 3,658,000 वर्ग किलोमीटर, डी 3,850,000 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब है
डी 3,467,000 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी समुद्री सीमा कहाँ है? आपके विकल्प हैं, ए पश्चिम में अरब सागर, बी उत्तर में हिंद महासागर, सी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, डी दक्षिण में इंडियन ओशन। सही जवाब है बी उत्तर में हिंद महासागर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? आपके विकल्प हैं, ए चिल्का झील, बी संभर झील, सी वुला झील, डी बिरसा मुंडा सरोवर। सही जवाब है ए चिल्का झील। आपका अगला सवाल है, भारत के कितने बड़े ट्रिब्यूटरी नदी हैं? आपके विकल्प हैं, ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब है डी 11। आपका अगला सवाल है, भारतीय महासागर की सबसे गहरी भाग कौन सा है? आपके विकल्प हैं, ए अरब सागर का गहरा भाग, बी हिंद महासागर का गहरा भाग, सी बंगाल की खाड़ी का गहरा भाग, डी इंडियन ओशन का गहरा भाग। सही जवाब है डी इंडियन ओशन का गहरा भाग। आपका अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत भूकंपग्रस्त क्षेत्र है? आपके विकल्प हैं, ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। सही जवाब है डी 10%। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं, ए सिक्किम, बी गोवा, सी मणिपुर, डी नागालैंड। सही जवाब है ए सिक्किम। आपका अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों से ढका हुआ है? आपके विकल्प हैं, ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। सही जवाब है ए 5%। आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे पुराने जैव अभयारण्य का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं, ए कांची अभयारण्य, बी डिब्रू साइक्विल, सी सरिस्का अभयारण्य, डी गिर अभयारण्य। सही जवाब है डी डिब्रू साइक्विल।